हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राधा की रसोई में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। जैसा कि आप जानते हैं, ठंडियों का मौसम आ चुका है और ठंडियों में ये डिशेस बहुत अच्छी लगती हैं। बनाकर खाने से काफ़ी गर्मी का एहसास होता है, ठंड नहीं लगती है। तो ये हमने आपके लिए नाश्ता लेकर आए हैं हम। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है मेथी। ये हरी मेथी है, इसको हमने धुलकर कट किया है बारीक सा। और यहाँ एक कटोरा, मतलब बड़ा कटोरा, हमने ये बेसन लिया है। एक कटोरी गेहूं का आटा, एक कटोरी हमने बारीक सा कट करके प्याज लिया है, और आधी कटोरी धनिया। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। वैसे भी ये ग्रीन है, लेकिन ये टेस्ट के लिए हम डालते हैं हरी मिर्च और थोड़े से बेसिक मसाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बेसन को एक बाउल में डाल देंगे, और इसको हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। गाढ़ा बनाना है, पतला नहीं बनाना है, क्योंकि और भी हम सभी चीज़ें डालेंगे, मेथी वगैरह, तो थोड़ा सा जैसे प्याज में पानी छोड़ता है, पानी भी छोड़ता है वो, तो और नमक डालेंगे तो नमक भी पानी छोड़ेगा। तो हम थोड़ा थोड़ा सा ही पानी डालकर एक गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे, और इसको हम अच्छे से फेटेंगे। जब तक फेटेंगे 5-6 मिनट, जब तक ये फ्लफी नहीं हो जाता है, क्योंकि आटा जल्दी से फूलता नहीं है, पानी में तैरता नहीं है। तो हम बेसन को पहले फुला लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे ताकि फ्लफी हो जाए। चलिए हम फेंट लेते हैं। और यहाँ देखिए, हमने 4 से 5 मिनट इसको फेंट लिया है। अब हम एक पानी में, ये थोड़े से पानी में इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए, बेसन ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से फिट चुका है। और इसको हम ऐसे हाथ से निकाल लेंगे। और एक बात और आपको बता दें कि कुछ इस तरह से जब बेसन में जाली सी पड़ने लगे तो समझ लीजिए कि बेसन फिट गया है। ये देखिए, ये ऐसे जालियां पड़ती हैं, ये देख सकते हैं आप, फटे फटा सा ऐसे जाली सी, तो समझ लीजिए कि बेसन फिट चुका है, परफेक्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये गेहूं का आटा, क्योंकि गेहूं का आटा जल्दी से तैरता नहीं है, फिटता नहीं है। और इसको डालकर पहले हम मिक्स कर लेंगे। और आटा डालने के बाद इसको फेंटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हम ऐसे ही मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमको, थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे ये कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा ही गरम मसाला, और इसको इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, क्योंकि नमक डालने के बाद थोड़ा सा बेसन गीला होता है। पहले हम पानी नहीं डालेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पानी डालेंगे हम। इसी में हम डाल देंगे आधी चम्मच से ज़्यादा हींग, और एक चम्मच हम डालेंगे भरकर ये जीरा का पाउडर, और इन सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये देखिए, आटा डालने के बाद हमने बिल्कुल भी नहीं फेंटा है, और ये जाली बन रही है, इसका मतलब आटा भी इसी में फिट चुका है, और बहुत ही बढ़िया ये फ्लफी बन गया है। ये देख सकते हैं, इसकी जालियों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज जो हमने बारीक कट किया है, हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा। और यहाँ हम ढेर सारी धनिया डाल देंगे, धनिया से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये मेथी, जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियों का मौसम है, और मेथी बहुत फ़ायदा करती है, गर्म होती है, और सभी को
एक दो दिन छोड़कर मेथी जरूर खाना चाहिए। किसी भी तरह से खाइए, सब्जी बनाकर और नाश्ते में, जैसे भी आपको पसंद हो। ये देखिए अब टाइट थोड़ा सा लग रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी थोड़ा सा, और पानी डालकर एक ऐसा डो बनाएंगे हम, बैटर बनाएंगे, जिससे कि हमारा नाश्ता बन सके। कुछ इस तरह से मिक्स कर देंगे हम इसको। यहाँ देखिए कुछ इस तरह से हमने इसका बैटर बना लिया है। इतना ही पतला हमें रखना है, यानी गाढ़ा गाढ़ा पतला जो भी कर लीजिए, बस इसी तरह से हमें रखना है। अब चलिए बनाते हैं इसको। और यहाँ देखिए आज हम नॉनस्टिक तवा में नहीं बनाएंगे, हम नॉर्मल लोहे के तवा में आपको नाश्ता बनाकर दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा बनता है। और ऑयल भी हमने सरसों का लिया है, हम रिफाइंड यूज नहीं करेंगे। बहुत अच्छा बनता है सरसों के ऑयल में। और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें ये बैटर डाल देंगे। जितना आपको बड़ा छोटा चाहिए उस हिसाब से आप बैटर इसमें डाल सकते हैं। हम 2 चम्मच बैटर डालेंगे और इसको थोड़ा सा फैला देंगे। जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा आप बना सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है ये, सर्दियों में गर्मी का एहसास दिलाता है। चलिए इसको, और यहाँ देखिए बहुत जल्द पकता है और यहाँ पे छेद छेद से हो गए हैं। ये काफी स्पॉन्जी बनता है और काफी अच्छा बनता है। अब इसको हम पलट लेंगे और ये देखिए कितनी आसानी से ये छूट रहा है तवे में। कुछ लोग कहते हैं लोहे के तवे में नहीं बनता है, और यहाँ देखिए कितना बढ़िया सेक कर तैयार हुआ है। इसको हमने सेक लिया एक तरफ, अब एक तरफ और सेक लेंगे हम, और बिना ऑयल के इस ये पीछे से भी अभी छूटा देंगे, आपको दिखाएंगे हम। ये देखिए बहुत ही आसानी से छूट जाता है, बिल्कुल कम ऑयल में हेल्दी नाश्ता है ये। और आपको पलट कर भी दिखा देते हैं, बड़ी आसानी से पलट जाता है, बहुत ही जल्दी बनता है और बिल्कुल चिपकता नहीं है तवे में। चाहे आप नॉनस्टिक में बनाइए या लोहे के तवा में, बिल्कुल ये नाश्ता चिपकता नहीं है। और यहाँ देखिए ये पक चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और मजेदार बना है। चलिए इसी तरह से हम सारे बना लेते हैं। और यहाँ देखिए बहुत ही हेल्दी हेल्दी टेस्टी टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। और इसके साथ ग्रीन चटनी, हरी धनिया की और टमाटो सॉस के साथ खाइए। और बहुत ही सॉफ्ट बनकर ये तैयार हुए हैं। ये देखिए ग्रीन चटनी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और ये देखिए टमाटो सॉस के साथ बहुत ही टेस्टी टेस्टी लगता है ये नाश्ता। और यहाँ देखिए नाश्ता बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है खाने के लिए। आप लोग भी आइए, खाइए आकर। अगर ये हमारी रेसिपी हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।